प्रिय छात्रों, आज मैं आपको MAED 103 शिक्षा में अनुसंधान पद्धतियां एवं सांख्यिकी की प्रथम इकाई शैक्षिक अनुसंधान अर्थ क्षेत्र महत्व एवं उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ आप इस इकाई के अंतर्गत ये भी जानेंगे कि शिक्षा शास्त्र एक अनुशासन के रूप में क्यों जाना जाता है। तो सर्वप्रथम हम शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ के जानेंगे। शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो है बालकों के व्यवहार में विकास एवं परिवर्तन करना है। शिक्षा के द्वारा ही मानव का विकास संभव होता है। अतः शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है। तो अतः शैक्षिक अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है। शिक्षण की समस्याओं तथा बालक के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं तथा बालक के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लाने के लिए अनुसंधान बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम देखते हैं कि शिक्षा को प्रभावशाली, शिक्षा के द्वारा समाज का कल्याण होता है, मानव का विकास संभव है तथा बालकों के व्यवहार में विकास एवं परिवर्तन होता है। अतः उसको बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई नई पद्धतियों को लाना तथा नए नए तरीके से उनको प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लाने के लिए अनुसंधान बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए अधिगम प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें लगातार शैक्षिक अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने वाली तथा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन कर उसका विकास करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अनुसंधान का अर्थ क्या है। अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। साथ ही साथ अनुसंधान में हम नवीन तथ्यों की खोज करते हैं तथा नए नए सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्यों द्वारा हम जो ऐतिहासिक जो चीजें होती हैं उसमें हम नए नवीन जो नए तरीके से हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं वर्तमान ज्ञान के साथ, इसको भी हम जानते हैं तथा शोध कार्यों द्वारा चरों के आपस में जो संबंध होता है सह संबंध का विश्लेषण किया जाता है। यह संबंध विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उस समय जब हम उनके संबंध को सह संबंध को देखते हैं तो उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं उन पर निर्भर करता है। विकासात्मक शोध कार्यों में चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात है अनुसंधान की परिभाषाएं। तो अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। रेडमैन एवं मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में नवाचार को लाने के लिए अनुसंधान आवश्यक है, क्योंकि नवाचार के प्रयोग से ही हम शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, जिसके लिए शैक्षिक अनुसंधान को समझना आवश्यक है। अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान एक तार्किक प्रक्रिया है। अनुसंधान जानने की एक वैज्ञानिक विधि है। अनुसंधान की प्रक्रिया से हम नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास करते हैं।
अनुसंधान में हम सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल देते हैं। शोध प्रक्रिया व्यवस्थित व सुनियोजित होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि शिक्षा अनुसंधान का क्या अर्थ है। जैसा कि हमने अभी पूर्व जाना कि शिक्षा में नवाचार को लाने के लिए अनुसंधान आवश्यक है, अतः शैक्षिक अनुसंधान को समझने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथ्यों की खोज, नवीन सत्यों सत्यों का प्रतिपादन तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन अर्थात नवीन ज्ञान की वृद्धि करना ही शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता होनी चाहिए, जिसको कि हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी यूज कर सकें। कहीं भी कोई शिक्षा से संबंधित कोई अगर हमारे सामने कोई समस्या है, तो हम शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं। शिक्षा अनुसंधान की समस्या क्षेत्र पाठ्यक्रम, प्रभावशाली शिक्षण विधियों इत्यादि का विकास करना। शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको हम प्रभावशाली बना सकते हैं, और विभिन्न शिक्षण विधियों का कि हमें किस पाठ्यक्रम के लिए या किस सब्जेक्ट को किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण विधियों का विकास करना चाहिए, ये भी हम शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा जानते हैं। शैक्षिक अनुसंधान की समस्या का स्वरूप इस प्रकार हो कि जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सकें, वह उसकी उपयोगिता हो, जिसको कि हम यूज कर सकें, जिसका कि कोई फायदा हो। उसके बाद हम जानेंगे शैक्षिक अनुसंधान की विशेषता। शैक्षिक अनुसंधान से शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा साथ ही साथ नवीन ज्ञान में वृद्धि की जाती है। शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं। शैक्षिक अनुसंधान सदैव कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, अर्थात कॉज एंड इफेक्ट पर रिलेटेड करता है। यह अंतर विषयात्मक पद्धति पर आधारित होता है। इसमें हम प्राय निगमनात्मक तर्क पद्धति का सहारा लिया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान में व्यवहारिक व क्रियात्मक शोध पद्धति का प्रयोग अधिकता के साथ होता है, अर्थात हम व्यवहार में और जो क्लास में टीचर कोई भी अगर प्रॉब्लम को पहचानता है या उसको डायग्नोस करता है, तो उसका हम क्रियात्मक शोध के द्वारा उसका हम निराकरण करते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है तथा उसके विकास के लिए समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही साथ शैक्षिक अनुसंधान सूझ तथा कल्पना पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के स्वस्थ दर्शन पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत हम समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र व अन्य मानविकी विषयों के शोध निष्कर्षों पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान प्राकृतिक विज्ञान के जो अनुसंधान होते हैं उनकी तरह शुद्धता इन अनुसंधान में इतनी शुद्धता नहीं होती है जितनी कि प्राकृतिक विज्ञान संबंधी अनुसंधानों में होती है। शैक्षिक अनुसंधान केवल विषय विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि इसे कोई भी कर सकता है। जैसे कोई टीचर है या फिर कोई समाज में कोई किसी चीज पर स्टडी करना चाहता है तो वो भी शैक्षिक अनुसंधान कर सकता है, और कोई भी समुदाय के जो सदस्य हैं या समाज सेवियों के द्वारा भी शैक्षिक अनुसंधान किया जा सकता है। शैक्षिक अनुसंधान में इंद्रियानुप्रयुक्त विधियों का प्रयोग अधिक नहीं किया जा सकता, अर्थात हम अपनी जो इंद्रियानुप्रयुक्त विधियां हैं उनका हम बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसे यांत्रिक नहीं बनाया जा सकता तथा इस प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं वो बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं। शिक्षा अनुसंधान का क्षेत्र। अब हम शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक का व्यवहार,
छात्र व्यवहार, शैक्षिक तकनीकी, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम मूल्यांकन तथा शिक्षण विधियां, प्रविधियां व कौशलों का विकास, शिक्षण शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण व उनका मूल्यांकन तथा साथ ही साथ शैक्षिक प्रशासन सिद्धांत का निर्माण, उनका मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन का मूल्यांकन, अधिगम सिद्धांतों का विकास व मूल्यांकन, शिक्षा दर्शन का समस्त क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का समस्त क्षेत्र तथा साथ ही साथ शिक्षा समाज शास्त्र का समस्त क्षेत्र तथा पर्यावरण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मुक्त व दूरस्थ शिक्षा आदि सभी शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा अनुसंधान का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है तथा हम इनमें किसी के भी अंतर्गत शोध कार्य करके उनके समाधान हेतु अनुसंधान कर सकते हैं। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की मौलिक समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा हम स्थानीय समस्या का समाधान भी कर सकते हैं तथा साथ ही साथ अब हम शिक्षा अनुसंधान के महत्व के बारे में जानेंगे। शिक्षा अनुसंधान का महत्व। शिक्षा अनुसंधान से सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों में वृद्धि या परिवर्तन किया जाता है तथा नवीन प्रवर्तनों का अनुशीलन भी किया जाता है, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के दो पहलू होते हैं, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हम दर्शन तथा समाजशास्त्र से संबंधित सभी विषयों को जानते हैं तथा व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हम मनोविज्ञान को समझते हैं। शिक्षा अनुसंधानों के निष्कर्षों की उपयोगिता होती है, यह शिक्षा अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। अर्थात हम शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत जो भी हमारे परिणाम या निष्कर्ष आते हैं हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं, इसलिए यह शिक्षा शास्त्र की, शिक्षा अनुसंधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। शिक्षा अनुसंधान से मानव ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा जो भी परिणाम आते हैं उनसे हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिससे कि मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा बालकों में विकास होता है तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। हम जानते हैं कि मानवीय ज्ञान की तीन अवस्थाएं होती हैं, ज्ञान का संचयन, ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार तथा ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान का संचयन करने के लिए आजकल तो हम देखते हैं कि हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं, जिसमें कि विकिपीडिया, गूगल, अन्य कई हमारे पास स्रोत हैं या सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान का संचयन करते हैं तथा इसके साथ ही साथ पुस्तकालयों के द्वारा सभी जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उसमें पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज हैं, जिसमें कि विभिन्न पुस्तकें संग्रहित रहती हैं जिससे कि ज्ञान का संचयन किया जाता है। ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार शिक्षा संस्थाओं के द्वारा, ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार हेतु जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं या जितने भी हमारे शैक्षिक संस्थान हैं या शैक्षिक संस्थानों से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, NCT, NCERT, ये सभी हमारे ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होते हैं। ज्ञान में वृद्धि, तो शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा हम जितने भी शोध कार्य करते हैं उनके जो परिणाम आते हैं उनसे हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद हम जानेंगे शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्य। शैक्षिक अनुसंधान का प्रथम उद्देश्य सैद्धांतिक उद्देश्य है। सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत हम वैज्ञानिक शोध कार्यों के द्वारा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं या नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, ये सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं तथा इस तरीके के जो अनुसंधान होते हैं उनमें हम प्राथमिक रूप से नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिससे कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाते हैं। तथ्यात्मक उद्देश्य। तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम ऐतिहासिक शोध कार्यों के द्वारा वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात
तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम ऐतिहासिक शोध कार्यों के द्वारा नए तथ्यों की खोज करते हैं तथा उनके आधार पर वर्तमान को समझने की में सहायता मिलती है। तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो भी हम शोध कार्य करते हैं उनकी प्रकृति वर्णनात्मक होती है। सत्यात्मक उद्देश्य का निर्धारण। सत्यात्मक उद्देश्य का निर्धारण के अंतर्गत जितने भी हमारे दार्शनिक शोध कार्य होते हैं उनके द्वारा जो भी नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है या हमें जो भी मौलिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं वो सब सत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। दार्शनिक शोध कार्यों का जो उपयोग है उसका हम उद्देश्यों, शिक्षा के उद्देश्यों को, सिद्धांतों को, शिक्षण विधियों तथा पाठ्यक्रमों की रचना करने में किया जाता है तथा सत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम बौद्धिक स्तर पर किया जाता है जिससे कि नवीन सत्यों तथा मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है। उपयोगिता का उद्देश्य। उपयोगिता के उद्देश्य के अंतर्गत जितने भी हमारे शैक्षिक अनुसंधान होते हैं उनके जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं उनको हम जनरलाइज करते हैं जिससे कि उन निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए। इन्हें विकासात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान अर्थात ऐसे अनुसंधान जिसको जैसे कि कोई क्लास है और उसमें कोई समस्या का हम पहचान करके उसका सॉल्यूशन हम अगर तुरंत दे देते हैं तो इस तरह के जो अनुसंधान होते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि शिक्षा शास्त्र को एक अनुशासन के रूप में क्यों जाना जाता है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि शिक्षा को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में मानने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। और हम पूर्व में पढ़ चुके हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज्ञान की प्रमुख तीन विशेषताएं होती हैं। मानवीय ज्ञान की प्रमुख तीन विशेषताएं हैं मानव ज्ञान का संचयन, मानव ज्ञान का प्रसार एवं मानव ज्ञान में वृद्धि। शिक्षा को स्वतंत्र अनुशासन मानने के लिए उसके मानव ज्ञान की तीन विशेषताएं होनी आवश्यक है। यह सभी विशेषताएं शिक्षा शास्त्र में मौजूद हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा एक स्वतंत्र अनुशासन है। जैसे दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म विज्ञान, राजनीति शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त अब शिक्षा के अपने ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों का विकास किया है जिसके फलस्वरूप हम कई नवीन ज्ञान विज्ञान मिले हैं। तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम विकास पढ़ते हैं, अध्यापक शिक्षा पढ़ते हैं, शैक्षिक निर्देशन पढ़ते हैं, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षण तकनीकी, अभिक्रमित अनुदेशन आदि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो अतः शिक्षा शास्त्र एक पृथक अनुशासन माना जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकालयों के द्वारा ज्ञान का संचयन होता है तथा ज्ञान के प्रसार प्रसार हेतु शिक्षा शास्त्र की जो प्रमुख संस्थाएं हैं शोध जैसे एनसीईआरटी और एनसीटी, ये सभी संस्थाएं जो हैं वो मानव ज्ञान का प्रसार करती हैं तथा साथ ही साथ शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है। और मानव ज्ञान के प्रसार के लिए शिक्षा शास्त्र जो है उसमें एक अलग विभाग जैसे शिक्षा विभाग है तथा शिक्षा संकाय है जिसके अंतर्गत बीए, एमए, बीएड, एमएड आदि कोर्स चलाए जाते हैं जिससे कि मानव के ज्ञान में प्रसार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र एक पृथक अनुशासन है। और हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा ने भी अपने ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र जैसे पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षण तकनीकी सभी अलग अलग पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अतः शिक्षा शास्त्र एक पृथक अनुशासन के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।